मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सफल बनाएंगे, साथ साथ आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे, पंचांग में बहुत कुछ बताएंगे और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन है शनिवार का, तारीख है 15 जून 2024, ज्येष्ठ शुक्ल नवमी पर चंद्रमा कन्या राशि और उत्तरा फागुनी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ दिशा रहेगी वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट, राहु काल रहेगा सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:37 तक, रवि योग रहेगा सुबह 8:14 से लेकर अगले दिन सुबह 5:23 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:40 से लेकर के दोपहर 12:50 तक। विशेष क्या है, महेश नवमी है। देखिए जो धूमावती जयंती का दिन है उस दिन देवी धूमावती भगवान शंकर को निगल लेती हैं, इसलिए उन्हें खसमणु खाने कहा गया है ना। लेकिन अगले ही दिन महेश नवमी के दिन भगवान शंकर देवादिदेव महादेव महेश स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये लीला है ईश्वर की। और इसी खास दिन मिथुन संक्रांति का भी विशिष्ट पर्व है और ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय है वो महेश नवमी से देवादिदेव महादेव से जुड़ा हुआ, उसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरिस के साथ में। मेष राशि वालों, संतान के उन्नति से प्रसन्नता होगी, भाषा पर काबू रखें, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, व्यापार में परेशानियां आएंगी, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद के योग हैं, उपाय ये करें कि धर्म स्थल में साबुत काली मिर्ची चढ़ाएं, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, कामकाज में बदलाव लाएंगे, कुछ नया करेंगे, दोस्तों से मुलाकात होगी, व्यवसायिक सफलता से प्रसन्नता रहेगी, जवाबदारी के कार्य निभाने में सफल रहेंगे, उपाय ये करें कि काले रंग की पेन जेब में रखें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे, विचारों को प्रकट करने का अवसर मिलेगा, क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, दूसरों के कार्य में दखलअंदाजी देने से बचें, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उपाय ये करें कि बरगद के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा स्लेटी। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, काम पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यापार में मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा, आय वृद्धि के योग हैं, यात्रा की संभावना है, सफलता के लिए अत्यधिक मेहनत करेंगे, उपाय ये करें कि गरीब महिला को नीला कपड़ा भेंट करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, रोजी रोजगार अच्छा रहेगा, खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, कार्यस्थल में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय सही सिद्ध होंगे, पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा, उपाय ये करें कि किसी गरीब कन्या को इच्छा अनुसार बादाम दान करें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। छठी राशि कन्या यानी वर्गो की बात करेंगे, बिना सोचे कोई भी काम ना करें, व्यापार में लाभ के योग हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, घरेलू सामान की खरीदारी करेंगे, परिजन व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे, उपाय ये करें कि किसी वृद्ध महिला को नारियल दान करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, मेहनत से संपन्नता बढ़ेगी, विरोधी सक्रिय रहेंगे, दूसरे लोग अकुशलता से आपकी कुशलता से प्रभावित होंगे, जो ऑफिस के गण हैं, परिवार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, सेहत में सुधार आएगा, उपाय ये करें कि बड़ी इलायची कर्पूर से जला दें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, सफलता से प्रसन्नता होगी, नौकरी में अनुभव से लाभ मिलेगा, आर्थिक मामले सफल रहेंगे, पिता से संबंध कटु रहेंगे, मतभेद के कारण गृह क्लेश के योग हैं, उपाय ये करें कि उड़द के दाने तिजोरी में रखें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे, दफ्तर का वातावरण बेहतर रहेगा, कारोबार में मेहनत का फल मिलेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, परिवार में प्रशंसा मिलेगी, पारिवारिक विवाद सुलझेंगे, उपाय ये करेंगे दाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर तीर लगाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। दसवीं राशि मकर यानी कि कृपकौन की बात करेंगे, कार्यस्थल पर रुके हुए कामकाज पूरे होंगे, कामकाज अनुकूल रहेगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आय से अधिक व्यय रहेंगे, छात्र प्रतियोगिता में सफल रहेंगे, उपाय ये करेंगे भभूत से तिलक करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, लंबे समय से लंबित हुए हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक लाभ होगा, भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्चा भी होगा, निजी समस्याएं हल होंगी, परिवार सहित खरीदारी करने जाएंगे, उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए उड़द रखें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में बाधाएं आएंगी, फिजूल खर्चों से बचें, योजना अनुसार काम नहीं हो पाएगा, हर काम विवेक से करें, दूसरों पर निर्भर रहने से बचें, आलस्य में वृद्धि होगी, उपाय ये करें कि लौंग के दाने जेब में रखें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा।
तो दोस्तों समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो दुखों से मुक्ति दिलवाएगा। देखिए खास दिन है, महेश नवमी का दिन है, बड़ा विशिष्ट दिन माना जाता है। धूमावती जयंती का अगला दिन महेश नवमी, जिस दिन भगवान शंकर महेश्वर स्वरूप में प्रकट होते हैं और इन्हें महाशंभवी भी कहा गया है। तो ऐसे में दुखों से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग का पूजन अर्चन करें और पानी में शमी पत्र डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम महाशंभवावे नमः, ओम महाशंभवे नमः। आश्वस्त करता हूं आपको दुखों से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।